नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल एटोमी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम से एटोमी का जो रजिस्ट्रेशन है 2-2.5 साल से इंडिया में चल रहा है और काफ़ी जो लोग हैं मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ये डाउट है कि एटोमी लॉन्च होगा कि नहीं, इंडिया में आएगा कि नहीं, क्योंकि 2-2.5 साल से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी चला हुआ है और काफ़ी जो लोग हैं जो बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं इसमें आ चुके हैं और जो डेली इसका रजिस्ट्रेशन बेसिस चल रहा है, तो काफ़ी कुछ लीडर्स इसमें वर्किंग काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, अपनी टीम की स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, और कुछ जो लीडर्स हैं वो अभी इसमें काम नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने अपना आईडी छोड़ा हुआ है। तो जो लोग काम नहीं कर रहे या जो लोग नए हैं या जो जिनको डाउट है कि एटोमी आएगा कि नहीं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एमसीए की साइट पर आप जाइए, ठीक है। एमसीए की साइट पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है कि सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। एमसी सर्विसेज में यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है, एटोमी, एटोमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई है एमसी की साइट पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की साइट है, ठीक है। जितने भी कंपनी आती है इंडिया में वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पश्चात उनका जो डाटा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो इस पे सिंपली आप एटोमी टाइप कीजिए, ठीक है। जैसे एटोमी टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, एटोमी के नाम से जो भी कंपनी इसमें रजिस्ट्रेशन होगी उसका बायोडाटा आ जाएगा डाउन साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो डाउन साइड में ये एटोमी का LLP नंबर है और जिसको आप CIN नंबर बोलते हो, एटोमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 22 फरवरी 2019 को इस कंपनी का MCA की साइट पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद इन्होंने इस कंपनी का डाटा डाला है और उसको एक CIN नंबर दिया है जिसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं। उसके बाद MCA की सर्विस पे जाओगे आप, तो इसका जो लेफ्ट साइड में मास्टर डाटा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखेंगे अभी, ठीक है। तो मास्टर डाटा पे आप क्लिक कीजिए, व्यू कंपनी, तो व्यू कंपनी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको जो CIN नंबर है वो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके ये जो इसमें जो कॉलम में दे रखे हैं कैप्चा, इसको आप टाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि एटोमिक का जो फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कंपनी का, जो LLP मास्टर डाटा, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। तो ये CIN नंबर है कंपनी का, जैसा कि आप जानते हैं। इस CIN नंबर के ऊपर एटोमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका कंपनी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये कंपनी के लिमिटेड शेयर्स हैं, कंपनी की जो कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बाद अथोराइज कैपिटल, ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। कोई भी कंपनी जब इंडिया में आती है तो कुछ डिपॉजिट करती है, कुछ अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पर, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके अंतर्गत कुछ पैसा इसको जमा करना होता है उस कंट्री में, अगर इसको लॉन्च करना होता है तो, ठीक है। सिक्योरिटी के नाम पर या कुछ भी हो जो कंपनी के लीगल प्रोसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी को यहाँ पे 10,50,00,000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी डिपॉजिट, अथोराइज कैपिटल इतना है 10,50,00,000 का, और इन्होंने 10,44,00,000 के आसपास यहाँ पे ये डिपॉजिट कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, 10,44,00,000 के आसपास। तो ये डाटा आपके सामने है, ठीक है। और 22 फरवरी 2019 को ये कंपनी लॉन्च हुई थी और इसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ये आप देख रहे हैं कालकाजी न्यू दिल्ली का है। तो दोस्तों ये किसी के घर का भी एड्रेस हो सकता है, किसी की ऑफिस का भी एड्रेस होता है, तो ये ऑफिशियल एड्रेस कंपनी इस एड्रेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई है। तो यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कंपनी का ऑफिस नहीं मिलेगा, कृपया करके इस बात को आप ध्यान में रखिए। डाउन साइड में देख रहे हैं आप ये पिन नंबर हैं, जितने भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया के, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर शेख इम्तियाज अली हैं, उनका पैन नंबर है इंटरनेशनल लेफ्ट साइड में। और साउथ कोरिया के जो कंपनी की तरफ से हैं सियोक ग्योन एवकून, ये साउथ कोरिया की तरफ से। अब इसके बारे में हम जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है और देखेंगे, अभी तक सब जो दोस्त हैं जितने भी लीडर्स हैं उनको यहाँ तक ही इन्फॉर्मेशन पता था, अब हम इससे आगे आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि जो भी फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि एटोमी कब आएगी कि नहीं पता नहीं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम इसमें काम क्यों करें, पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं, काफ़ी तरह के डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन हैं, हर आदमी के अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आज हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहले आप हम कंपनी का मास्टर डाटा चेक कर चुके हैं, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कंपनी आ रही है एटोमी के नाम से, इसने कुछ मिनिस्ट्री ऑफ जो गवर्नमेंट की जितने भी मिनिस्ट्री हैं और जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, वो सर्टिफिकेट अप्रूव होने के बाद साइन होने के बाद यहाँ पे उनका एक कोड वर्ड डाला जाता है, तो वो सारी डिटेल हम आपको दिखाएंगे कंपनी सर्विसेज के बारे में कि कंपनी के कितने सर्टिफिकेट्स
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल चुके हैं गेट सर्टिफाइड कॉपी। तो हम इस पे जाने डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस में गेट सर्टिफाइड कॉपीज़। तो इस पे जितनी भी कंपनी की सर्टिफिकेट इसको मिल चुकी है साइन होने के बाद ही उन्होंने यहाँ पे डाटा डाल दिया कि इस कंपनी के ये जस्ट लाइक लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज, बैंकिंग सेक्टर, कस्टमर केयर और जो इंटरनल है प्रोडक्ट का FSSAI से अप्रूवल, सब कुछ साइन होने के बाद यहाँ पे डाला जाता है वो डाटा। तो वो डाटा आज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी का नाम टाइप करना है एटोमी, उसके बाद ये CIN नंबर डालना है। तो इस CIN नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे देखेंगे। तो कंपनी का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं एटोमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बारे में सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर इम्तियाज अली काफ़ी टाइम से दिल्ली में हैं और वो मिनिस्ट्री, जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उनसे सर्टिफिकेट्स अप्रूवल्स लेने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे डाला जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि बैकडोर में काफ़ी कुछ काम चल रहा है। कोई भी कंपनी लॉन्च होती है तो उसके बैकडोर में काम चलता है तो 6 से 8-10 महीने लग जाते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स लेने में। तो पहला जो सर्टिफिकेट्स है वो ये है, सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि कंपनी जब इंडिया में आई तो उसका ये सर्टिफिकेट है, 22 फरवरी 2019 को उन्होंने ये अप्रूवल ले चुके हैं, ठीक है। सेकंड सर्टिफिकेट है चेंज इन डायरेक्टर्स, चेंज इन डायरेक्टर्स के ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। थर्ड है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर हम जाएंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स साइन हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी है, मेरे को अभी इनके अंदर क्या है कुछ भी नहीं पता, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड पे चार्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है, चार्ज डॉक्यूमेंट पे अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट, तो उसके बारे में भी अभी इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि ये जब लास्ट का फेज होगा तब होगा। LLP फॉर्म्स, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं अपलोड हुआ है। नेक्स्ट है अदर ई फॉर्म्स डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, 14 मई को हुआ है डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड, 23 मई को, 20 जून, 22 जून और लेटेस्ट 5 अगस्त 5/8/2019 को। तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं किसी दूसरे कंट्री में वहाँ के लीगल जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, तो 5 अगस्त को ये लास्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है ये आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। ये कंपनी की सीक्रेट पॉलिसीज होती है, सीक्रेट फाइल्स होती है। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो डाल रखी है यहाँ पे कि इतने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का बैकडोर में काम चल रहा है और कोई भी कंपनी का जो काम चलता है उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दिखा रखा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिखा रखा, ठीक है। तो जब कंपनी का काम चलता है इंडिया में तो सारी चीज़ें लीगल तरीके से अपलोड होती रहती है और एक लिमिटेड टाइम के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद कंपनी अपनी तरफ से लॉन्च कर देगी। और अदर डॉक अटैचमेंट में हम क्लिक करेंगे तो एटोमी की जो कंपनी इंडिया में आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतने सर्टिफिकेट्स साइन हो चुके हैं और साइन होने के बाद ये इन्होंने अपनी साइट पे डाल रखे हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि एटोमी आएगी कि नहीं, तो मैं उन दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल आएगी और इसका जो प्रूफ है वो आप अपने सामने आँखों में देख सकते हो, ठीक है। तो सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप इसकी साइट पे देख सकते हो, सभी के लिए ये साइट ओपन है, ठीक है। तो कंपनी आ रही है इंडिया में और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ जो भी है आप देख लीजिए इसको और अपने लेवल पे आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो सारे की सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन है, कंपनी बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर आपने अभी तक कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करके अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, टीम क्रिएट कर रहे हैं, करते रहिए, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि पैसा नहीं आ रहा हमारा कंपनी में, हम काम नहीं करेंगे, लॉन्चिंग के बाद करेंगे, अभी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप दूसरी कंपनी में काम करते रहो, कोई डाउट नहीं है। डेली इसको 1 या 2 घंटा दे दो, आप अपनी टीम क्रिएट कर लो। लॉन्चिंग से पहले जितनी आप अच्छी टीम क्रिएट कर लोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल मिलेगा अर्निंग का आपको और आपकी पूरी टीम को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपको बताई है दोस्तों, कंपनी जेन्युइन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी और